शुभ प्रभात विद्यार्थी मित्रों, कल हमने पढ़ा था गोदाम सेवा के विषय में अध्ययन किया था। आज हम वर्तमान वाहन व्यवहार और परिवहन की सेवाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले ये देखते हैं ये वाहन व्यवहार किस में उपयोगी होता है। माल परिवहन के लिए वाहन व्यवहार उपयोग में आता है। प्रारंभ में पशु और वाहनों का उपयोग होता था। पहले किसका उपयोग होता था, आपको पता ही है कि पहले बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी का उपयोग करके माल और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाया जाता था। अब साथ साथ जलमार्ग की खोज हुई और आधुनिक खोज के कारण हवाई जहाज का भी उपयोग प्रारंभ हुआ। यानी जब पशु और वाहनों का उपयोग से आगे बढ़े तो उसमें हमारा जलमार्ग का खोज हुआ, उसके साथ साथ हवाई मार्ग का भी प्रारंभ हो गया। अभी उसका अर्थ देख लेते हैं। वाहन व्यवहार एक ऐसी सेवा है कि जिसके द्वारा मनुष्य और माल सामग्री के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जा सकते हैं। वाहन व्यवहार एक ऐसी सेवा है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्य या माल सामग्री को लिया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अभी इनके प्रकार देख लेते हैं। इनके 6 प्रकार हैं। मानव शक्ति द्वारा संचालित, पशु शक्ति द्वारा संचालित, हवाई मार्ग, भूमि मार्ग। भूमि मार्ग में भी 2 मार्ग के द्वारा वाहन व्यवहार किया जाता है। भूमि मार्ग में है रेलवे मार्ग और सड़क मार्ग। 5वां है जलमार्ग और पाइपलाइन द्वारा परिवहन। यानी ये 6 के द्वारा हम व्यवहार कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल और व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं मानव शक्ति द्वारा संचालित। मनुष्य और माल सामग्री के स्थानांतरण के लिए मानव शक्ति द्वारा संचालित वाहनों को आज भी प्रचलित है और पर्यावरण के अनुकूल है। यानी मानव और जो सामग्री था माल है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने के लिए मानव के द्वारा जो वाहन थे उनका उपयोग किया जाता था। यानी कोई साइकिल के द्वारा रिक्शा होती थी पीछे और आगे साइकिल के द्वारा मानव आगे इस साइकिल चला के एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्य और माल को पहुंचाते थे। और ये प्रचलित भी है, इसकी वजह से जो पर्यावरण था वो भी अनुकूल था, वो भी शुद्ध रहता था। बहुत से स्थान पर पैदल रिक्शा के उपयोग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है। यानी पैदल रिक्शा तो आपको पता ही होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक रिक्शा आगे व्यक्ति साइकिल चलाता है और पीछे बैठने के लिए सवारी होती है और वहाँ वह उसका उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्य को लेके जाया था। अभी इसमें हम उदाहरण देते हैं। कोलकाता में मानव परिवहन के लिए आज भी पैदल रिक्शा का उपयोग होता है। ये पैदल रिक्शा का आज भी उपयोग कहाँ होता है, कोलकाता में। आज भी भारत में लगभग सभी प्रदेशों में हाथ लारी द्वारा माल सामान पास के स्थान पर तक पहुंचाया जाता है। हाथ लारी की जैसे कि आप देखते हैं कि 4 पहियों में एक लकड़ा लगा होता है और उसमें हम सामान रख के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं, जिसे हम हाथ लारी भी कहते हैं। अगला है हमारा प्रकार पशु शक्ति द्वारा संचालित। पशुओं के द्वारा कम दूरी के लिए मनुष्य और माल सामग्री का परिवहन किया जा सकता था। जैसे मैंने आपको बोला पशुओं के द्वारा किस प्रकार माल और सामग्री का परिवहन किया जा सकता था, जैसे घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है इत्यादि, ऐसे पशुओं का उपयोग करके माल और मनुष्य का परिवहन किया जा सकता था। अभी हम देख लेते हैं तीसरा प्रकार हवाई मार्ग। हवाई मार्ग के द्वारा मनुष्य और माल सामग्री का शीघ्रता से और
और लंबाई दूरी के लिए परिवहन संभव है, यानी हवाई मार्ग से कितने भी दूर व्यक्ति और माल का माल सामग्री का शीघ्रता से पहुंचाना हो, लंबी दूरी तक भी यह हवाई मार्ग अपना समय और परिवहन तय करती है, संभव रहता है। छोटी दूरी के लिए हवाई मार्ग का उपयोग महंगा पड़ता है, यानी कोई एरोप्लेन में हवाई जहाज में जो माल का परिवहन करते हैं या कोई व्यक्ति उस पर सवार होकर जाता है कहीं अन्य स्थान पे, तब वह जल्दी से और शीघ्रता से और लंबी दूरी को भी जल्दी पार कर लेते हैं। पर एक स्थान छोटे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कम हो, यानी वह छोटी दूरी का स्थान हो, तो उसके लिए यह मार्ग महंगा हो जाता है। हवाई जहाज को आकाश में उड़ने और उतारने के लिए रनवे की आवश्यकता होती है, यानी हवाई जहाज से जहाँ हम माल सामग्री और मनुष्यों का जो परिवहन करते थे उसमें उसके लिए उड़ाने के लिए और उतारने के लिए जो रनवे चाहिए, जो जगह चाहिए, उसकी आवश्यकता अधिक जगह की आवश्यकता रहती है। कम समय की दूरी के लिए कम मनुष्य और माल सामग्री के लिए जहाँ रनवे न बनाया जा सके, ऐसे दुर्गम विस्तारों के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा अधिक उपलब्ध है। कम समय के लिए और कम मनुष्य और सामग्री के लिए कहाँ किसका उपयोग किया जा सकता है? हेलीकॉप्टर का। चौथा हमारा है, चौथा प्रकार है भूमि मार्ग में रेलवे मार्ग और सड़क मार्ग। हम पहले रेलवे मार्ग के विषय में अध्ययन करें। रेलवे द्वारा मनुष्य और माल सामग्री का परिवहन होता है। हमने आपने देखा ही है कि रेलवे स्टेशन में जो रेलगाड़ी में माल और मनुष्य का परिवहन भी किया जाता है। अलग से माल के लिए भी रेलगाड़ी एक आयोजित की जाती है। इंजन में सामान्य रूप से डीजल विद्युत का उपयोग चालक बल के रूप में किया जाता है। डीजल और विद्युत का जो उपयोग है वो चालक बल के रूप में किया जाता है। कई बार ट्रेन के सभी अथवा कुछ डब्बों में चालक शक्ति होती है, यानी कई बार ट्रेन के डब्बों में चालक शक्ति में होती है, जिसे मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहा जाता है। रेलवे में आज चालक शक्ति के रूप में केबल, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय शक्ति का भी उपयोग होता है। भारत में कभी कभी CNG का चालक बल के रूप में उपयोग करने वाले इंजन का उपयोग प्रारंभ में हो गया है, यानी CNG का चालक बल के रूप में उपयोग इंजन के उपयोग के प्रारंभ में हो गया है। शहरी विस्तार में जोड़ने वाली और शहरी के माध्यम चलने वाली रेल हवाई मार्ग के रेडी के हिड सिद्ध हुए हैं, यानी रीढ़ की हड्डी सिद्ध हुए हैं। यानी शहरी विस्तार में जो जुड़ी है और शहर के माध्यम से चलने वाली रेल वाहन व्यवहार है वह रीढ़ की हड्डी सिद्ध हुई है, यानी जो मेन पार्ट है मार्ग का वह रेलवे सिद्ध हुई है। अभी हम भूमि मार्ग पे देख लेते हैं सड़क मार्ग। सड़क मार्ग का एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए मुक्त होता है। सड़क मार्ग में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मुक्त होता है। स्थान, दिशा, गति, समय के सुविधा अनुसार परिवर्तन संभव होता है, यानी समय और जो स्थान है, गति है, उन सब में वह परिवर्तन संभव हो सकता है।
जो अन्य वाहन व्यवहार के प्रकारों में सरल नहीं है। अभी यहाँ देख लो कि हवाई मार्ग में हमें कहीं माल का परिवहन करना है, तो हवाई मार्ग में अलग अलग रास्ते नहीं होते हैं, वहाँ एक ही साइड से हमको जाना पड़ता है। रेलवे मार्ग में भी जहाँ पटरी होगी वहीं से जाना पड़ेगा, लेकिन जो सड़क मार्ग है उसमें हम कहीं से भी स्थान, गति और जो दिशा है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। सड़क मार्ग के द्वारा घर के दरवाजे तक वाहन सेवा देना संभव है। रेलवे और हवाई जहाज मार्ग में हम घर तक नहीं सामान पहुंचा सकते और मनुष्य को घर तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो सड़क मार्ग है वहाँ पर घर के दरवाजे तक हम जो माल और सामग्री का परिवहन है वह संभव बनता है, कर सकते हैं। बस के द्वारा अधिक व्यक्तियों का वाहन योग्य रूप से होता है। अभी एक बस है जिसमें हम अधिक से अधिक लोगों को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। ट्रक द्वारा हल्के वजन वाले माल एवं कम दूरी वाले स्थान के बीच परिवहन किया जा सकता है। ट्रक है जिसमें हम माल, हल्के माल और कम दूरी के लिए उपयोग में ला सकते हैं। वाहन के निरंतर बढ़ते उपयोग के कारण वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और पार्किंग जैसे प्रश्न पैदा हुए हैं। अभी हमारे लिए सड़क मार्ग एक उपयोगी मार्ग है और सरल मार्ग है, पर उनको जो हम उसका उपयोग करते हैं तो हमारे लिए क्या नुकसानदायक है। एक तो वायु प्रदूषण होता है, वातावरण प्रदूषण होता है जिसमें ध्वनि प्रदूषण भी उत्पन्न होता है, ट्रैफिक जाम होते हैं और पार्किंग की भी समस्या रहती है। अब वह बहुत से शहरों में BRTS यानी बस स्टॉप ट्रांसिट सिस्टम का उपयोग प्रारंभ हो गया है, यानी अब शहर में BRT का उपयोग प्रारंभ हो गया है। इन बसों के लिए विशेष रास्ते आरक्षित किए गए हैं, यानी बसों के लिए इसके द्वारा विशिष्ट रास्ते आरक्षित किए गए हैं और अति शीघ्रता से शहर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जा सकता है। यानी हम जो छोटे छोटे रास्तों हैं वहां पर बस नहीं चल के उनके लिए अलग रास्ते उपलब्ध करवाए गए हैं जहां से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से पहुँच सकते हैं। दो बसों के बीच समय अवधि कम होने से सेवा का सातत्य बना रहता है, यानी दो बस यदि गांधीधाम से जामनगर कोई बस जा रही है और जामनगर से कोई बस गांधीधाम आ रही है, जो समय का कम अंतर होने से समस्या है वो सेवा है जो रुकती नहीं है। अभी गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जैसे शहरों में यह सेवा उपलब्ध है। गुजरात में भी अभी अहमदाबाद, राजकोट और सूरत जैसे शहरों में भी बस की जो सेवा है अभी उपलब्ध करवाई गई है। अभी हमारा देख लेते हैं पांचवा प्रकार, जल मार्ग। समुद्री, तालाब, नहर, नदियां और इत्यादि जलमार्गों को में नाव, जहाज और अन्य साधनों से जल वाहन व्यवहार होता है, जो दो नजदीक समुद्री तट के स्थान अथवा जहाँ जल एवं समतल भूमि हो वहाँ बड़े खंभे से चलाने वाले होवरक्राफ्ट के द्वारा उपयोग होता है। यानी जो जहाज है, नाव है और अन्य साधन है वह उसका उपयोग कैसे किया जाता है, जो कम दूरी पर हो और जो होवरक्राफ्ट के द्वारा यानी बड़े डंडे के द्वारा उपयोग में लाकर और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जाता है। विशाल बांध बनाकर नहर द्वारा जल दूर स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। विशाल बांध बनाकर
जो जल है वह बहुत दूर स्थान तक पहुँचाया जा सकता है। इन नहरों का उपयोग भी जल मार्ग के रूप में होता है। जो नहर बनाए जाते हैं उनका उपयोग भी हम जल मार्ग के रूप में करते हैं। विदेशी व्यापार सबसे अधिक जल मार्ग के द्वारा होते हैं। एक देश से दूसरे देश तक अगर यदि हमको परिवहन करना है माल का, तो वह हम ये जल मार्ग के द्वारा करते हैं। जल मार्ग परिवहन दूसरे प्रकार की तुलना में थोड़ा धीमी गति का है। अभी सड़क देख लो, रेलवे देख लो, इसमें हम जल शीघ्रता से पहुंच सकते हैं, लेकिन जल मार्ग में हमें माल सामग्री का परिवहन करने के लिए अधिक समय लगता है। फिर भी आधुनिक इंजन के कारण विशाल पैमाने पर माल सामग्री कार्यक्षम ढंग से पहुंचाई जाती है। यानी जल मार्ग के द्वारा जो इंजन है, इंजन के कारण विशाल पैमाने पर माल और सामग्री का सक्षम रूप से पहुंचाई जाती है, यानी सही सलामत माल को पहुंचाया जाता है। एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन के लिए जल मार्ग हवाई मार्ग की तुलना में सस्ता है। यानी हवाई मार्ग यह महंगा है और जल मार्ग सस्ता है, परंतु समय अधिक लगता है। हवाई मार्ग में हमें कम समय लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल और मनुष्य को पहुंचाने में, परंतु जल मार्ग हमें धीमी गति से धीरे धीरे कम समय अधिक समय में पहुंचाता है, तो यह महंगा कहलाता है और यह सस्ता रहता है। समुद्र तट के विस्तार में फेर सर्विस काफी लंबे लाभदायक होती है। फेयर सर्विस है वह काफ़ी लाभदायक होती है जल मार्ग और समुद्र तट के विस्तार में। अभी हमारा अंतिम प्रकार देख ले, पाइप लाइन द्वारा परिवहन। तरल अथवा गैस जैसे उत्पादनों के लिए पाइप लाइन अधिक उपयुक्त होती है। यानी तरल है, गैस है, इन सभी ऐसी वस्तुओं के लिए पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। तरल कचरे निकालने के लिए पानी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि के लिए यह व्यवस्था उपयोग में लाई गई है। जो लिक्विड जैसी चीज़ें हैं, पानी है, प्राकृतिक गैस है, कचरे निकालने का है और तरल कचरे निकाल है, तो उन सब के लिए यह व्यवस्था उपयोग में लाई गई है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। हजीरा से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैस परिवहन के लिए पाइपलाइन डाली जाती है। यानी हजीरा से जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाए यदि गैस पहुँचानी है, तो पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। भारत में असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा द्वारा इत्यादि राज्यों में क्रूड ऑयल और पेट्रोल उत्पादन का परिवहन होता है। भारत में असम है, बिहार है, गुजरात है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इन सभी राज्यों में क्रूड ऑयल का परिवहन पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। तो आज हमने अध्ययन किया वाहन व्यवहार और परिवहन सेवा, जिसमें मनुष्य और माल सामग्री का भी परिवहन किया जाता है, जिसके 4-6 प्रकार हैं: मानव शक्ति द्वारा, पशु शक्ति द्वारा, हवाई मार्ग, भूमि मार्ग और जल मार्ग, ऑनलाइन पाइपलाइन द्वारा परिवहन। ये 6 के द्वारा हम वाहन व्यवहार माल और सामान का हम परिवहन आसानी से कर सकते हैं। तो आज का आपका यह होमवर्क रहेगा कि भूमि मार्ग से होने वाले जो माल और मनुष्य परिवहन है उसके कुछ 5-5 उदाहरण लिखने हैं। भूमि मार्ग में रेलवे मार्ग का माल का जो परिवहन किया जा सकता है उनका, और सड़क मार्ग में माल
नोटबुक में व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने हैं। धन्यवाद।